खबर भीलवाड़ा के बड़लिया थाना क्षेत्र से है, जहां चावंडिया चौराहे पर अज्ञात बदमाशों ने एक कार पर फायरिंग कर दी, जिसमें कार सवार एक युवक घायल हो गया। तो वहीं घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया और फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कार सवार भैरूलाल, लक्ष्मण और जगदीश कार में सवार होकर भीलवाड़ा से अपने गांव वापस लौट रहे थे कि इसी दौरान चावंडिया चौराहे पर एक कार में सवार होकर आए चार हमलावरों ने कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। रात्रि को 11:15 बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि चावंडिया चौराहे पर कोई माथापोड़ी होगी, झगड़ा हो गया और फायरिंग हो गई। इस पर मैं SI महेश आपता के मौके पर पहुंचे। जाने पर वहां पहुंचने के बाद जानकारी हुई कि भैरूलाल जाट, लक्ष्मण जाट खजीना निवासी खजीना और जगदीश जाट नशाणिया खेड़ा, तीनों ही इस भैरूलाल की गाड़ी के अंदर बैठे थे। और ये बैठक है, अज्ञात चार व्यक्ति किसी एक कार में सवार होकर आए, जिन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया। ये रवाना हो गए, फिर भी इनका पीछा किया, चाबी खींच ली और थोड़ा आगे आने के बाद गाड़ी को रोक ली और इनके ऊपर एक दो फायर वगैरह किए। भैरूलाल भी भगया, भैरूलाल पे फायर किया, भैरूलाल रातने का मौका देके भगया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।